कि आप संगठन में भरोसा रखिए, संगठन के अनुशासन को मानिए और अपने नेतृत्व में भरोसा रखिए। दोस्तों, मैं सबके साथ चलता हूँ, सबके साथ चलना चाहता हूँ, सबको लेके चलना चाहता हूँ, लेकिन अपने पद से मैं कभी भ्रमित नहीं होता, अपने पद से भ्रमित नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने क्लास को संगठित करूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि रेलवे मैन को संगठित करूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि रेलवे मैन रेल कर्मचारी को अत्याचार से मुक्ति बुलाऊँ। और ये काम आप ही कर सकते हो। आप गाड़ी के नेता हो, आप ट्रेन चलाने के नेता हो, आप ट्रेन चलाते हो, ठीक उसी तरह से आप ट्रेड यूनियन आंदोलन के भी नेता हो। ये कभी भूमिका को आप भूलोगे नहीं, कभी भूलोगे नहीं। कॉमरेड्स, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मीटिंग को भी ज़्यादा नहीं चलाऊँगा, ताकि आप देख रहे हो आप लोगों ने सारी लोगों का जगह ले ली है। और मैं सारे संगठनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मुझे कुछ समय आप दो, मैं अपनी मीटिंग को समाप्त कर दूँगा, उसके बाद आप लोग अपना प्रोग्राम करोगे, हमें कुछ समय दोगे और हमें माफ़ करोगे कि हम आपकी जगह को ऑक्युपाई कर लिया हूँ। ये आपकी ये ताकत ये शो करती है कि आप में कितना विक्षोभ है, आप में कितना गुस्सा है। आप अपने एक्सप्लॉयटेशन को सामने देखते हो, दूसरा कोई आपके शोषण को सामने नहीं देखता है, आप ही देखते हो कि रात दिन अंधर तूफान बारिश नक्सलाइट पाकिस्तानी ये सारे अटैक में। आप तो जम्मू जाते हो, जम्मू से वो मंदिर है क्या वहाँ है वैष्णो देवी, वहाँ भी अंडा भी गाड़ी लेके जाते हो, रोज नक्सलाइट अटैक हो रहा है, लोग मारे जा रहे हो, आप भी मारे जाओगे कल, ऐसा हो सकता है ऐसा है? हाँ, तो ये गाड़ी चलाते हो लेकिन आपको जितना मिलना चाहिए नहीं मिलता है। आप अपने एक्सप्लॉयटेशन को देखते हो, आपके बीच में गुस्सा है होगा, ये खूब स्वाभाविक है। हमारे कुछ लड़के रिएक्ट कर रहे थे, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, रिएक्शन होगा, हमारे बीच में रिएक्शन होगी, लेकिन ये रिएक्शन सही दिशा में सही जगह पर सही तरीके से हो। दोस्तों, आप लोग जानते हो आप लोग काहे आए हो, किस लिए आए हो। आज आपका स्ट्राइक डिसीजन लेना था, डेट फिक्स करना था, डेट फिक्स करके स्ट्राइक नोटिस देनी थी। किस इशू के ऊपर? रेलवे बोर्ड हल्ला पहुंचा रहा है, सबको ये हल्ला पहुंचा रहा है कि किलोमीटर 525। क्यों 525? हम बोलते हैं कि क्यों 525, ये तुमको हम बताओ। हम RSC 1980 फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं? हम 90 पहले कोई फॉर्मूला नहीं था, आप लोग तो नहीं जानते हो जो बूढ़े लोग हैं, पर हम जीत साथ जानता होगा, आगे कोई फॉर्मूला नहीं था। 2 रुपया दे दे, 10 रुपया दे दे, 20 रुपया दे दे, जो दे दे वही ठीक है। एक खूब संविधान में एक कानून थी हमारे बीच में कि मिनिमम 45% ऑफ योर अर्निंग किलोमीटर और 75% मैक्सिमम, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं था, कोई साइंटिफिक एनालिसिस नहीं थी कि व्हाट इज योर रनिंग अलाउंसेस, आपको किलोमीटर अलाउंस क्यों दिया जाता है, इसका कोई साइंटिफिक एनालिसिस नहीं था। हम लोगों ने इस सवाल को उठाया, बहुत से लोग हम पर हंसना शुरू किए कि किलोमीटर अलाउंस का क्या साइंटिफिक एनालिसिस होगा। हम लोगों ने RSC कमेटी बनी, हम लोगों ने उनको समझाया, हम लोगों ने उसको बोला कि इसकी साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए, किलोमीटर अलाउंस आप क्यों हमको देते हो, काहे के लिए देते हो, हम क्यों लेते हैं किलोमीटर अलाउंस, किलोमीटर अलाउंस में क्या क्या है। तब जाके ये तय हुआ 45% योर पे एलिमेंट पे का 45% हिस्सा किलोमीटर अलाउंस में जाएगा, किलोमीटर के साथ जोड़ दिया जाएगा। वही इज इट माई इंटरेस्ट ना, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू मोटिवेट यू टू वर्क मोर।
ज्यादा काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव में ये दिया गया। आरएसी कमेटी से हम लोग निकले, 80 में हमारा एक स्ट्राइक हो गया, कमजोर हुए, उसको खींच करके कर दिया 30%। 30% हम लड़ नहीं पाए, 30% हो गया, 30% चल रहा है उसी समय से चल रहा है 30% हमारी पे। क्यों 30% हमारी पे? रनिंग स्टाफ का पे, एक पैसेंजर लोको पायलट का पे जितना क्लास सी में है, कैटेगरी जितना पे है उसमें सबसे एपेक्स ग्रेड में पैसेंजर लोको पायलट का है। यहाँ से नहीं, अंग्रेज थे तब से पैसेंजर ड्राइवर का पे इक्वेट होता था क्लास सी में सबसे ज़्यादा जो पे वाला है उससे। 30% कम करना क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था कि अगर लोको फॉर्मे के बराबर आपका पे अगर हो जाए, एमए के बराबर पे हो जाए, तो यू विल बी नॉट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो टू हैव द लोको रनिंग स्टाफ अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पे हैज बीन रिड्यूस्ड एंड दैट इज एडेड टू द किलोमीटर अलाउंस। यही कॉन्सेप्ट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रखने के लिए आपको किया गया और उसको किलोमीटर के साथ जोड़ दिया गया। अब है कि हम क्यों बोलते हैं मीन पे को तुम कंसीडर करो, क्यों बोलते हैं? आप लोग जानते होंगे कि जो भी पैसेंजर में प्रमोशन पाता है लोको पायलट, वो कम से कम 8-10 तो इंक्रीमेंट उसको मालगाड़ी में मिल ही जाता है, शायद ही 10-15% ऐसे लोको पायलट जो प्रमोशन लेके पैसेंजर में आते हैं वो मिनिमम में रहते हैं, 1% भी नहीं हुए, कोई भी मिनिमम पे में नहीं रहेगा, अगले पे के मिनिमम पे में, सब 2-4 इंक्रीमेंट लेके आते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, उनका पे आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग मीन पे को बोला कि मीन पे बोलने से कम मैक्सिमम आदमी को 30% की बेनिफिट मिल पाएगी, और अगर मिनिमम पे देता है तो वो 30% की बेनिफिट पर 70-80% हमारे लोको पायलट को नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम मिनिमम पे बोलते हैं कि मीन पे से हमारा रनिंग अलाउंसेस का तय होना, और यही आरएसी 1980 में था। टीए, आप तो 300 दिन बाहर रहते हो, आपका तो 300 दिन का टीए मिलना चाहिए। आप अगर पीआर भी लेते हो तो 12-12:30 रात को अगर आए तो 30 घंटे के बाद दूसरे दिन आप निकल जाते हो, तो एक डेट में आए और दूसरे डेट में निकल गए, 300 दिन टीए आपको मिलना चाहिए, लेकिन हम हमको नहीं देता है, 20 दिन का देता है। ये बात उठी थी आरएसी कमेटी में, तो बोला कि ठीक है, हम 5 दिन का जो पेरिटिकल रेस्ट होता है उसका नहीं देके 25 दिन को देंगे। आप लोग पढ़िएगा, रिपोर्ट को पढ़िएगा, जो रिपोर्ट दिया रिकमेंडेशन किया 25 दिन का टीए, हम कमज़ोर हो गए वहाँ भी 5 दिन का रिड्यूस कर दिया। कोई और प्रोटेस्ट नहीं कर पाया, कोई लड़ नहीं पाया, वैसे ही रह गया, और हम हल्ला कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तब बोला कि 5 दिन का हम कम किए हैं, किस लिए? कि 5 दिन का रनिंग रूम मेंटेनेंस के लिए कम किए हैं, लिखित नहीं है, वर्बल हम लोग को बोला कि रनिंग रूम के मेंटेनेंस के लिए हम लोग 5 दिन का टीए आपका और कम कर दिए, 20 दिन का टीए। आप लोग समझते हो कि रनिंग रूम रेलवे हमको पैसा देती है रनिंग रूम मेंटेनेंस के लिए? गलत बात है, रनिंग रूम के मेंटेनेंस हमारे टीए के पैसे से लिया जाता है, हमारा टीए के पैसे से लिया जाता है, 20 दिन का किया, ठीक है किया, चले। अब ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि मिनिमम पे में यदि आपका किलोमीटर अलाउंस को फिक्स कर दे, किलोमीटर इंटेंशन क्या है, कितना हमारा अलाउंस होगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि अगर लोको रनिंग में ये संभव हो गया तो कल सारे रेल कर्मचारियों के लिए वो करेगा और पे को रिड्यूस कर देगा, कोई नहीं बचा पाएगा उस समय और पे रिड्यूस हो जाएगा। इंटेंशन ये है कि एकमात्र लोको रनिंग स्टाफ ही धक्का दे सकता है, तो यहाँ ट्रायल करो, अगर यहाँ पे को हम रिड्यूस कर देते हैं तो हम दूसरे जगह भी पे को आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं।
प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, देख रहे हो आप, प्राइवेट ला रहा है सब जगह, आप देख रहे हो, इवन टिकट बुकिंग प्राइवेट हो रहा है, आप देख रहे हो, इवन स्टेशन का खाना पीना सारा चीज़, हम इन डिटेल नहीं जाना चाहते, लेकिन ये गवर्नमेंट की इंटेंशन है आपके पैसा को काटल करने में। आपने देखा जो NPS में आप पैसा देते हो 40%, वो खतरे में है, कल मिलेगा रिटायर करोगे तो मिलेगा कि नहीं, कोई गारंटी ये तो है ही, लेकिन कल बोल दिया है, वो पैसा जहाँ जमा होता था वो बोल दिया है कि दिवाला हो गया, वो मिलेगा कि नहीं ये कोई गारंटी नहीं। तो ये सवाल गवर्नमेंट के इंटेंशन का है, हम लड़ रहे हैं गवर्नमेंट के इंटेंशन के विरोध में कि हमारा RAC 1980 फॉर्मूला के मुताबिक होना चाहिए, ताकि यदि हमारा रह गया तो दूसरे भी रेलवे कर्मचारी का पे रिड्यूस नहीं होगा, अदरवाइज किसी न किसी तरह से पे रिड्यूस करेगा। ऑलरेडी एक सर्कुलर निकाल दिया, फिक्स एम्प्लॉयमेंट, मैंने हम एक दिन का काम कराएंगे, हमको ज़रूरत है एक दिन करो, दो दिन करो, चले जाओ, इतना पैसा लो, अगर करना है तो करो, नहीं तो चले जाओ। आप लोगों ने देखा होगा एक स्टेटमेंट आई थी जब जादव जी आए CRB में, इनको ट्रैकमैन लोगों ने कहीं घेरा था, तो ट्रैकमैन को यही बोले, हम तुमको बुलाए हैं, तुम आए हो, दिल करे तो करो और नहीं तो चले जाओ, आपके साथ ही ऐसा ही। ये इंडिकेशन है, मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, ये इंडिकेशन है। ये सारी अवस्था को विचार करके हम लोगों ने सारी गणतांत्रिक प्रोसेस अपना लिया है, रिप्रेजेंटेशन किया, भूख हड़ताल किया, मेरा एक आदमी मरा गया, 100 आदमी हॉस्पिटल में गया, NIT हुआ, RAC हुआ, ये जितना डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हालांकि आजकल डेमोक्रेटिक कोई मिसले ही है नहीं, जो सरकार CBI के ऊपर हमला कर रही है, जो सरकार बैंक SBI के ऊपर हमला कर रही है, ये सरकार रोज कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात बोल रही है, ऑर्डिनेंस के लागू करने की बात कर रही है, हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमने नहीं छोड़ा है, सारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस किया है, हमने प्राइम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखा, प्राइम मिनिस्टर हमारी चिट्ठी को फॉरवर्ड किया रेल मिनिस्टर के पास, लेकिन तो भी कोई एक्शन नहीं, वही गुपचुप एक MP ने राज्यसभा में सवाल उठाया, उसका भी जवाब वही गुपचुप, हमको बाध्य होकर के आखिरी अस्त्र जो था हड़ताल का, हमको हड़ताल का डिसीजन जोधपुर में लेना पड़ा, हमारे रघुवैया जी आदरणीय वहाँ मौजूद थे, हमको लेना पड़ा, हम लिए हड़ताल का डिसीजन लिए, और ये हम रैली हड़ताल नोटिस देने के लिए बुलाए थे कि हड़ताल का डेट ठीक करेंगे और हड़ताल का नोटिस आज हम सर्व करेंगे। हम लोगों ने कल वर्किंग कमेटी में सारी परिस्थितियों को विचार किया, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी आदमी उंगली उठा सके लोको रनिंग के ऊपर, इसलिए हम सब अस्त्र भुला करके तब हम जाना चाहते हैं। तो आज 44 आदमी मरा है, ये देश में पहला बार हुआ है, 44 आर्मी एक साथ आतंकवादियों के हाथ से मरना, ये शायद भारतवर्ष के इतिहास में पहला बार हुआ है, 20 आदमी मरा है, 22 आदमी मरा है, 30 आदमी मरा है, लेकिन 44 आदमी एक साथ कहीं मिला है पहला बार। सारा भारतवर्ष इससे दुखित है, सारा भारतवर्ष को दुख है, हमने इसको नज़र में रखते हुए और रेल मंत्री को राज्यसभा में जो जवाब है इसको नज़र में रखते हुए हमने कल का प्रोग्राम लिया कि हम लोग नोटिस सर्व करेंगे, लेकिन डेट हम नहीं अनाउंस करेंगे, स्ट्राइक का डिसीजन मेरा रहेगा, हम उसको मार्च तक टाइम देंगे, अगर मार्च के अंदर में हमारे इश्यू को अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं सॉल्व करता है तो हमको बाध्य होकर के हड़ताल में जाना पड़ेगा। हड़ताल का जब सिचुएशन होगा हम हड़ताल में जाएंगे, ये संभव है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, ये संभव है कि आचार संहिता लागू हो जाए, तो ये सारी कानूनी चीज़ को नज़र में रखते हुए हम लोग हड़ताल का दिन तय करेंगे। मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप अपने जज्बा को बनाए रखो, जो आज जज्बा है यही जज्बा रहना चाहिए, हम जब तक आपके RAC के मुताबिक 1980 की फॉर्मूला के मुताबिक जब तक आपका किलोमीटर अलाउंस नहीं मिल जाता है, प्री 16 आपका पे फिक्सेशन पेंशन का नहीं हो जाता है, तब तक
हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम मरेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं, हम इस धरती पर रहेंगे और हम अपनी लड़ाई को चलाते रहेंगे। लेकिन लेकिन दोस्तों एक चीज निर्णय में रखना चाहिए कि हमारे लड़ाई को जितना समर्थन मिल सके, जितने लोग समर्थन कर सकें, वो हमारे लिए फायदे की बात है। हम ठीक हमारे नज़र में रहेगा कौन कितना दूर तक जाएगा, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, ये रहेगा। लेकिन अपने क्लास को हम यूनाइट करके, अपने क्लास का समर्थन लेकर के, रेल मजदूरों का समर्थन लेकर के, बाहर के ताकत का, जो छात्र पैसेंजर ये सबका लेकर के हम लड़ाई करेंगे। काहे कि आप ये नहीं समझो कि सरकार बहुत कमज़ोर है, आप ये समझो कि सरकार के पीछे देश और विदेशी पूंजी खड़ा है, देश और विदेशी पूंजीपति खड़ा है हमको एक्सप्लॉइट करने के लिए। इतना कमज़ोर उसको मत समझो, उसको ताकतवर समझो, और वहीं से लड़ाई करने के लिए, एक ताकतवर शक्ति के साथ लड़ाई करने के लिए अपने ताकत को वैसा ही बढ़ाओ ताकि हम सफल हों लड़ाई में, हम लड़ाई में आगे बढ़े। इतना ही करते हुए आपके जज्बा को मैं सलाम करते हुए, आप यहाँ आए हो तकलीफ करके, मुझे मालूम है कि हमारा करीब करीब 30% आदमी फ्लाइट से आया है, फ्लाइट से जाएगा। घर में हो सकता है कि रोटी नहीं हो, लेकिन फ्लाइट से आया है, फ्लाइट से जाएगा। ये दर्शाता है कि आपके संगठन के प्रति कितनी श्रद्धा है, आप संगठन क्यों चाहते हो, आप एक्सप्लॉयटेशन से बचना क्यों चाहते हो, यही दर्शाता है। मैं आप सभी साथियों को संग्रामी अभिनंदन देते हुए, मैं ये विश्वास रखते हुए कि आप अपने जज्बा को बनाए रखोगे, ये विश्वास रखते हुए कि आप लड़ाई के कैंपेन को, हड़ताल के कैंपेन को करते हुए और जितने शक्तियां हैं उसको एक साथ लाने की कोशिश करोगे, इतना ही बोलते हुए मैं आपको संग्रामी अभिनंदन, ज़्यादा देर मीटिंग चलेगी नहीं, अभी हमारे सामने NFIR के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो आगे के दो शब्द अपनी बात को बोलें और इनके बोलने के बाद मैं इस मीटिंग को समाप्त करूँगा। दूसरे को अपने तरफ खींच सके ये देखो और इस देख करके अपने ताकत, अपने मैग्नेटिक पावर को बढ़ाओ, अपने ताकत को बढ़ाओ, अपने क्लास यूनिटी को बढ़ाओ, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करो। किसी का क्रिटिसिज्म नहीं, मैं चाहता हूँ कि कोई किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करे, सेल्फ क्रिटिसिज्म करे कि मुझसे कहाँ कमी हो गई है कि मैं उसको अपने साथ लेकर के नहीं चल पाता हूँ, मुझ में कहाँ कमी है कि उसको साथ लेकर नहीं चल पाता हूँ, हमें क्या करना होगा कि मैं उसको भी साथ लूँ, उसको भी साथ लूँ, सभी को साथ लेके चलूँ, हमें क्या काम करना होगा कि हाथी को भी अपने लिए व्यवहार करूँ, सांप को भी अपने स्वार्थ में व्यवहार करूँ, गोजर को भी अपने स्वार्थ में व्यवहार करूँ, हमें क्या करना होगा इसके ऊपर आप गंभीर चिंता करो, यही चिंता लेके आगे चलो, ट्रेड यूनियन आंदोलन की तरफ आगे बढ़ो, क्लास स्ट्रगल की तरफ आगे बढ़ो। यही बोलते हुए हम उम्मीद करेंगे अपने NFIR के जनरल सेक्रेटरी से कि निश्चित तौर पर ये 98 के फॉर्मूला के नीचे किसी बात पर एग्री नहीं करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आगे रहेंगे, हम पीछे रहेंगे, कोई बात नहीं, हमको आगे पीछे से मतलब नहीं है, हमको नेता से मतलब नहीं है, कोई भी नेता हो सही तरीके से क्लास स्ट्रगल करे, सही तरह से रेल मजदूरों को स्ट्रगल करे, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसका फॉलोअर होकर रहूँगा, लेकिन मैं उसके साथ हूँ, मैं यही चाहता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ और आपसे यही बोलते हुए आपको संग्रामी अभिनंदन देते हुए मेरे विचारों को समाप्त करता हूँ।